स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। तो स्टार्ट करते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है, देखते हैं। एक पेड़ था जो आंधी के कारण स्टॉर्म के कारण टूट जाता है, जो जिस तरह से टूटता है वो इस तरह से मतलब ज़मीन के साथ टच करेगा, और जो ज़मीन के साथ जो एंगल बना उसमें 30 डिग्री। तो इसका जो ये पेड़ है बच्चों, ये दो हिस्सों में बटा है। एच ये है इसका जो इससे जुड़ा हुआ है, और ये एक्स जो टूटा हुआ है इससे ज़मीन पे गिरा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी डिटेल लेते हैं सॉल्यूशन करके। ए बी एच मीटर, बी सी 8 मीटर, थीटा 30 डिग्री है, 30। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नाउ हमें, मैंने अगेन बोला था लास्ट क्लास में कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए पी 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 एंड एच एच बी। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस। तो बच्चों करते हैं सबसे पहले, हमें परपेंडिकुलर और बेस लेके क्वेश्चन करते हैं। परपेंडिकुलर और बेस जो कि होता है टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा परपेंडिकुलर एच, और एट हमारे पास ये गिवन है टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की अगर हम वैल्यू लेंगे तो ये होती है 1/√3। हम इसे क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो एच इज इक्वल टू दिस इज फर्स्ट। सिमिलरली अब हम लेंगे बेस एंड हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास, बेस एंड हाइपोटेन्यूज जो कि है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज किसके, कॉस थीटा के इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो बच्चों बेस तो हमें दे रखा है 8, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमें अभी भी निकालना है x। तो ये किसके इज इक्वल टू है, कॉस 30 डिग्री, एक्स बाय 8/x। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, √3/2। अब हम इसे क्रॉस करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 16/√x। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ हाइट ऑफ ट्री कैसे निकलेगी, ए बी प्लस में टूटा हुआ हिस्सा जो कि है एक्स प्लस में एच। एलसीएम सेम हो जाता है, कभी बटे में रूट होता तो इसका रैशनलाइज करेंगे। √3 मीटर, मीटर लगाना मत भूलिएगा। बस एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी √3 तो ये 3 हो जाएगा, तो कभी भी इन चीज़ों से मतलब कभी भी दो सेम संख्या रूट में होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं।
तो मुझे थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।